हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 14, पेज नंबर 113, चैप्टर 14 साउंड। बच्चों, आज हम आपको प्रीमिड टर्म के चैप्टर 14 साउंड को एक्सप्लेन कराएंगे। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है ओनली वही आएगा, कंप्लीट द मैप या फिर हॉट क्वेश्चंस में से बुक वर्क का आपका नहीं आएगा। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, आपके चैप्टर 14 में साउंड में एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो आज हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर 14। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स चैप्टर। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट साउंड डैश। इफ वी क्लोज द डोर एंड विंडोज, रिड्यूस और इंक्रीज। भाई, जब हम किसी भी दरवाजे को या खिड़की को बंद करते हैं तो वो साउंड को रिड्यूस करता है या इंक्रीज करता है, तो वो कम कर देता है, तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सेकंड है, ए विसल हैज़ ए डैश साउंड। भाई, जो विसिल होती है, जो सिट्टी होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो किस टाइप की होती है, डल होती है या फिर शार्प होती है, तो उसकी जो आवाज़ होती है वो होती है शार्प। थर्ड पॉइंट है हमारा, सोबिंग इज़ ए डैश साउंड देन वेलिंग, सॉफ्टर एंड लाउड। भाई, जो सोबिंग होती है उसकी साउंड जो होती है वेलिंग की अपेक्षा कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, लाउड होती है, यानी कि धीमी होती है या फिर तेज होती है, तो वो होती है सॉफ्ट, ठीक है, यानी कि सॉफ्टर। फोर्थ पॉइंट है हमारा, नॉइज इज़ डैश प्लीजेंट एंड अनप्लीजेंट। भाई, जो शोर होता है वो आपको सुनने में अच्छा लगता है या नहीं लगता है, यानी कि प्लीजेंट होगा या अनप्लीजेंट होगा, तो वो होगा आपका अनप्लीजेंट। आई होप बच्चों आपको ये समझ आया होगा और आप सभी बहुत ध्यान से इन्हें देखेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।